पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हीरोइन किम की फेस से मास्क हटाकर उसका फेस देख लेती है। किम अचानक से अपने आंखें खोलता है और हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है। आगे देखते हैं क्या होता है। वो हीरोइन को अपने पास देख मास्क पहनकर अपने पुराने अपार्टमेंट में चला जाता है। किम को हीरोइन पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसका फेस देख लिया। फिर सोचता है कि उसने मेरे मास्क को क्यों रिमूव किया। तभी वहाँ मैनेजर देवचन आता है। किम उसे कहता है कि मेरा फेस रिवील हो गया है। मैनेजर पूछता है कि क्या पार्क ने तुम्हारा फेस देख लिया। किम कहता है पार्क ने नहीं देखा, बाजू वाली लड़की ने मेरा फेस देख लिया। हीरोइन को दिखाते हैं, वो किम के बारे में सोच रही होती है और नेट में सर्च करती है। वो कहती है कि किम को पता चल गया होगा कि मैंने उसे पहचान लिया, कि वो एक फेमस सॉन्ग कंपोजर है। किम मैनेजर को बताता है कि सोली ने 5 साल पहले बस में मेरी हेल्प की थी। मैनेजर कहता है कि उसने तुम्हारा फेस देख भी लिया तो क्या हुआ, उसे क्या मालूम कि तुम ही किम हो, क्योंकि तुमने बहुत ही कम लोगों को अपना फेस दिखाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग हीरोइन घर से बाहर आती है। वो किम के डोर के पास कुलदीप को देखती है, अपने कॉफी शॉप चली जाती है। बागची हीरोइन से माफी मांगता है। फिर वो पूछता है कि तुम किम के बारे में क्या सोचती हो। वो कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। हीरोइन रेस्टोरेंट में खाना खा रही है, वहाँ दो लड़के आते हैं, उनमें से एक बोरो है। एक लड़का हीरोइन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, हीरोइन उसे इग्नोर करके चली जाती है। लीकांग का ट्रांसफर जहाँ हीरोइन रहती उस एरिया में होता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर लीकांग से पूछते हैं, जहाँ तुम पहले काम करते थे वहाँ एक लड़की का बीच में मिसिंग केस बहुत फेमस है, उस केस में उसके बॉयफ्रेंड को एक गुनाहगार माना गया है। वो कहता है कि एक केस काफी समय पहले क्लोज हो चुका था, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं। किम रात को अपने फोन में बीच में हुई मिसिंग गर्ल के केस को देखता है, उसे नींद नहीं आती। वो मेडिकल शॉप में जाकर स्लीपिंग टैबलेट को खरीदता है। फिर वो वापस अपार्टमेंट आता है, वहाँ कुछ रिपोर्टर रहते हैं जो किसी सेलिब्रिटी का वेट कर रहे हैं। किम मीडिया और रिपोर्टर के बीच फंस जाता है। रिपोर्टर सेलिब्रिटी का फोटो खींचने लगते हैं। किम वहाँ बहुत डरा हुआ दिखता है, वो अपने फेस को छुपा कर जाता है। तभी वहाँ मैनेजर आता है और किम को लेकर जाता है। किम वहाँ से बचकर अपने अपार्टमेंट आता है, तभी वहाँ हीरोइन उसे देख लेती है। वो उसे देख कार के साइड में छुपने की कोशिश करता है, कार चली जाती है, हीरोइन उसे देख लेती है। किम हीरोइन से पूछता है कि तुमने मेरा फेस देखा। वो कहती हाँ मैंने आपके फेस को देखा, आप बहुत हैंडसम हो। ये सुन किम हैरान होता है क्योंकि उसने फेस देखने के बाद भी उसे पहचाना नहीं। तभी वहाँ एक आदमी दौड़कर आता है, उसे देख किम हीरोइन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी कहता है मेरा फोन गुम गया, क्या तुम अपना फोन दे सकती हो, मैं अपने फोन में कॉल करके देखता हूँ। वो उसे अपना फोन देती है। किम कहता है तुम्हें इसे अपना फोन नहीं देना चाहिए, पता नहीं ये कौन है, वो तुम्हारा फोन लेके भाग भी सकता है। वो आदमी हीरोइन को फोन रिटर्न करता है और कहता है मेरा कार्ड उस फोन में ही था, वापस जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा। हीरोइन के पास कैश नहीं रहते, वो किम से पैसे मांगकर उस आदमी को देती है। वो आदमी वहां से चला जाता है। किम कहता है तुम बहुत आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेती हो। हीरोइन कहती ऐसा नहीं है, मैं लोगों पर विश्वास नहीं करती, अपने कानों पर विश्वास करती हूँ, बोलकर वहां से चली जाती है। किम अपार्टमेंट में आकर कोल्ड्रिंक्स की बोतल के अंदर लेकर जाता है। किम सोचता है लड़की तो आसानी से सबके ऊपर विश्वास कर लेती है, क्या सच में अच्छी लड़की है। सियोन को दिखाते हैं, वो स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस कर रही है, अचानक से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। मैनेजर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी किम का कॉल आता है, मैंने तुम्हारे बारे में आर्टिकल पढ़ा, अब तुम कैसी हो। सियोन कहती मैं ठीक हूँ, तुम्हें देखने के बाद और भी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वो कहता तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम एकदम ठीक हो। सियोन कहती मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। वो कहता मैं सॉन्ग को ईमेल पर भेज दूंगा, तुम चेक कर लेना, करके फोन काट देता है। मैनेजर कहता है कहीं तुम जानबूझ के तो नहीं गिर गई ताकि किम तुम्हें आकर देखे। वो तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बॉक्सी नूडल्स खा रहा होता है। तभी वहाँ एक हुडी डाला हुआ कोई चुपके से नूडल्स खा रहा है। वो देखता है कि वो सियोन है, उसे देख वो हैरान हो जाता है। सियोन उसे देख इशारे से चुप रहने के लिए कहती है। अगले सीन में हीरोइन की माँ को दिखाते हैं, वो एक फ्री मील सर्विस एरिया में फोटो खींचकर अपनी बेटी को भेजती है। वो अपनी माँ को कॉल करके पूछती है तुम वहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर खाना खाना पड़ रहा है। हीरोइन कहती है मुझे तुम पर विश्वास नहीं, मैं तुमसे मिलने के बाद ही पता लगाऊंगी कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। अगले सीन में मैनेजर दाओचैन के भाई जोचैन को दिखाते हैं, वो किम के कमरे में काम करता है। वो अपने भाई से सैलरी मांगता है। दाओचैन कहता है तुम पहले से ही बर्गर शॉप ओपन करने के लिए काफी पैसे खर्च कर चुके हो, जाओ अपना काम देखो। तभी दाओचैन को कॉल आता है, जोचैन वहाँ से कार की चाबी को लेकर चले जाता है। फिर अपने भाई की गाड़ी से गाड़ी कहाँ कहाँ गई है उसका डिटेल निकाल लेता है। हीरोइन की माँ पैसे लेने हीरोइन के अपार्टमेंट आती है और उसे बहुत बहस करती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही आसानी से पैसा कमा लेती हो, उसमें से कुछ पैसा देने में तुम्हारा क्या जाता है। वो जोर जोर से चिल्ला के बातें करते हैं, उनकी आवाज किम को सुनाई देता है। हीरोइन कहती है तुम सोचती हो कि मेरा काम इतना आसान है। वो कहती है तुम्हारी वजह से अपनी फैमिली बर्बाद हो गई। हीरोइन कहती है कि अगर तुम किसी को धोखा नहीं देती तो आज ऐसी हालत नहीं होती। वो अपनी माँ को अंदर बैठ के बातें करने को बुलाती है। वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। हीरोइन अपनी माँ को पैसा देती है, वो खुश होकर उसे गले से लगाती है। हीरोइन अपनी माँ को बालकनी से जाते हुए देखती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, हीरोइन जब छोटी थी उसकी माँ सबको धोखा देकर पैसा कमाती थी। एक दिन उसके घर एक लेडी आती है, वो कहती है तुम्हारी माँ कहाँ है, मैं उसे पैसे वापस लेने आई हूँ, उसने मुझसे पैसा लेकर अभी तक वापस नहीं किया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। हीरोइन कहती है मेरी माँ कहाँ है ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो पैसे कहाँ रखे वो मालूम है। वो उस लेडी को अपने घर के अंदर लेकर आती है। वो देखती है कि हीरोइन की माँ बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट बना के रखी है, वो निकाल कर रख लेती है।
तभी हीरोइन अपनी माँ की बैंक डिटेल उस लेडी को देती है। वो लेडी डिटेल को देखकर हैरान होती है क्योंकि हीरोइन की माँ बहुत सारा पैसा अपने अकाउंट में रखी है। हीरोइन कहती है, आप अपना पैसा निकाल कर बैंक डिटेल मुझे वापस दे देना। वो लेडी कहती है, ठीक है मैं अपना पैसा लेकर बुक तुम्हें वापस कर दूंगी। ये सुन हीरोइन को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो उस लेडी को रोकने की कोशिश करती है, वो उसे धकेल कर वहाँ से चली जाती है और हीरोइन की माँ का पूरा अकाउंट खाली कर देती है। इसलिए हीरोइन की माँ की आज ऐसी हालत है। सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं, किम अपने बालकनी पर जाता है। हीरोइन पहले से बालकनी पर खड़ी रहती है। वो पूछती है, क्या तुमने हमारी बातें सुन ली? वो कहता है, तुम दोनों इतने जोर जोर से चिल्लाकर बातें कर रहे थे कि मुझे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ा। तुम गुस्सा मत करो, हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। वो कहती, कैसी फैमिली? मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं कब अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाई थी। किम कहता है, मेरी माँ भी ऐसी है, उसे भी मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोनों एक ही लिफ्ट में जाते हैं। हीरोइन किम से लिए हुए पैसे वापस करती है। तभी हीरोइन को क्लाइंट के पास से फोन आता है। वो ब्लाइंड डेट की बातें करती है। किम सोचता है कि लड़की ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। हीरोइन अपने कॉफी शॉप आती है। बाहर दो पुलिस वाले जाते हैं, उनमें से एक ली कैंग भी होता है। हीरोइन उन दोनों को पीछे से देखती है। उसे लगता है कि उनमें से मैं किसी को जानती हूँ। हीरोइन एक रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट से मिलती है। उसकी क्लाइंट ये जानना चाहती है कि उसका लवर उसे धोखा दे रहा है या नहीं। वो अपने लवर से कहती है, तुम आजकल मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हो। वो कहता है, मैं कंपनी के काम में बहुत बिजी रहता हूँ। तभी उसे मैसेज आता है। वो पूछती है कि किसका मैसेज है। वो कहता है कि कंपनी से मैसेज आया है। हीरोइन उस लेडी को बताती है कि ये झूठ बोल रहा है। वो लेडी अपने लवर से पूछती है कि क्या हम शादी करने वाले हैं। ये सुन हीरोइन को एक फ्लैशबैक याद आता है। ली कैंग को हीरोइन को दिखाते हैं। वो हीरोइन को प्रपोज करके रिंग पहनाता है। वो भी उसे प्यार करती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। प्रेजेंट में दिखाते हैं, वो लेडी हीरोइन को पेमेंट देकर कहती है, मैं और कुछ ज्यादा नहीं जानना चाहती क्योंकि मैं अपने लवर से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। हीरोइन पूछती है, तुम सच जाने के बाद भी उसके साथ रहना चाहती हो? हीरोइन वहाँ से जाने लगती है। तभी उस लेडी का लवर आता है, अपने लवर को सरप्राइज देता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं कंपनी के काम में बिजी हूँ, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज करने के लिए बिजी था। ये सुन वो लेडी बहुत खुश हो जाती है, उसका लवर से शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देख हीरोइन पैसे टेबल पर रख के चली जाती है। हीरोइन बहुत सैड दिखती है। फ्लैशबैक दिखाते हैं, ली कैंग से हीरोइन पूछती है, आजकल तुम मुझे ठीक से बात भी नहीं करते और मिलते भी नहीं हो और ज्यादा झूठ भी बोलने लगे हो। ली कैंग कहता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? वो पूछती, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? वो कहता है, बहुत रात हो चुकी है, तुम घर जाओ। हीरोइन कहती, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। हीरोइन उसे पूछती, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो कहता है, जरूर, नेक्स्ट ईयर मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुन वो रोते हुए कहती है, मेरे पास एक पावर है, जो झूठ बोलता है उसे मैं पहचान लेती हूँ। कहकर उसके हाथ से रिंग उतार कर लिंग कांग के हाथों में देकर चली जाती है। सहयोन को दिखाते हैं, वो जी चैन के शॉप पर बर्गर खाते हुए सोशल मीडिया पर लाइव आती है। जी चैन की शॉप का प्रमोशन के लिए ऐसे करती है, अपने सिग्नेचर से उसकी शॉप के लिए एक टेम्पलेट भी तैयार करती है और जी चैन को देती है। उसके बदले वो उसे मैनेजर कहाँ कहाँ गया था उसका डिटेल देता है। ये डिटेल वो इसलिए लेती है क्योंकि किम कहाँ है उसे पता लगाना है। हीरोइन एक बार में जाती है, वहाँ किम पियानो प्ले करता है। हीरोइन बहुत ज्यादा डांस कर लेती है, ये किम देख लेता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और हीरोइन से कहता है, तुम वही हो ना जो मेरी लवर की कजिन बता रही थी? वो कहती है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वो कहते, कैसे हो सकता है, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई? ये वही लड़का जिसका जो हीरोइन ने पकड़ा था। वो कहते, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। किम उन्हें देखता है, वो सोचता है शायद इसी के साथ ये ब्लाइंड डेट पर आई है। वो वहाँ से जाने लगती है। वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने ऐसे क्यों किया बताओ? वो कहती है, मेरी लव लाइफ खत्म हो चुकी थी इसलिए मैं दूसरों की लाइफ को खत्म कर रही हूँ। ये सुन मारने के लिए वो हाथ उठाता है। तभी वो किम आ जाता है और हीरोइन से पूछता है, इस लड़के से और कुछ बात करना चाहती हो? वो नहीं कहती है। वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है। सियोन को दिखाते हैं, वो किम को ढूंढते हुए जा रही है। किम कहता है, कौन अपने ब्लाइंड डेट पर ऐसा करता है, वो तुम्हें मारने वाला था। हीरोइन कहती है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। फिर कहती है, तुम मेरे साथ बिना मास्क के बहुत कंफर्टेबल हो। ये सुन वो चौंक जाता है और मास्क पहन लेता है। वो पूछता है, मैं कब से मास्क नहीं पहना हूँ? वो बताती है, जब तुम मुझे उस लड़के से बचाए थे। वो पूछती है, तुम क्यों उस बार में गए थे? वो बताता है, मैं वहाँ पियानो बजाता हूँ। वो कहती, मुझे भूख लग रहा है। वो उसे एक रेस्टोरेंट लेके जाता है और कहता है, मैं कार में हूँ, तुम खाना खा के जल्दी आ जाओ। वो कहती है, मैं बहुत सैड हूँ, तुम मेरे साथ कुछ देर बैठ जाओ। वो किम को खाना खाने को कहती है। वो कहता, मैं बाहर नहीं खाता। वो समझ जाती है कि वो मास्क की वजह से नहीं खा रहा है। वो उसे वहाँ से उठाकर अपने पास बिठा लेती है और कहती है, अब कोई तुम्हें नहीं देखेगा। दोनों अपार्टमेंट आते हैं। हीरोइन किम से कहती है, यहाँ के लोगों को अपनी फिक्र करने का ही समय नहीं है, वे लोग क्या दूसरे को देखेंगे? तुम यहाँ बगैर मास्क के रह सकते हो। अपार्टमेंट के बाहर दो आदमी लेटर बॉक्स में कुछ ढूंढ रहे हैं। वो दोनों रिपोर्टर हैं। हीरोइन उनके पास जाकर पूछती, तुम लोग कौन हो? वो कहते हैं कि हमारा दोस्त यहाँ रहता है, उसने हमारे लिए मैसेज छोड़ा है, वही चेक कर रहे हैं। वे लोग झूठ बोल रहे हैं बोल के हीरोइन को पता चल जाता है। वो समझ जाती है कि लोग किम को ढूंढते हुए आए हैं। तभी वहाँ किम बगैर मास्क वहाँ आता है। वो रिपोर्टर किम को देखने वाले हैं। हीरोइन उन्हें अपनी बातों में उलझा लेती है। उन्हें देख किम घबरा जाता है। हीरोइन किम का फेस छुपाने के लिए अजीब सी हरकतें करती है। किम को समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसे कर रही है। वो रिपोर्टर उन दोनों का फोटो खींचने जाते हैं। ऐसे ये पार्ट खत्म होता है। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे ड्रामा के अगले पार्ट के साथ।